मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बेट। स्वामियों, जिन्हें की हाल ही में बिग बॉस के घर से उनकी बदतमीजियों की वजह से, उनकी नाकाबिले बर्दाश्त हरकत की वजह से घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, अब बाहर आकर भी वो अपने बड़बोलेपन से सुर्खियों में बने रहने की जुगाड़ में पूरी तरह लगे हुए हैं। और हाल ही में उन्होंने न्यूज़ चैनल के एक डिबेट में इसका सबूत भी पेश किया। दरअसल इस डिबेट में बात हो रही थी वुमेन सेफ्टी को लेकर। वहां पर एक गेस्ट भी मौजूद थी जो कि सुप्रीम कोर्ट की मशहूर लॉयर हैं। उन्होंने पूछा कि क्या एक नंगी औरत अगर आपके सामने खड़ी हो तो क्या आपको हक है उस औरत को छूने का। इस पर स्वामी जी ने झट से जवाब दिया कि बिग बॉस के घर में लड़कियाँ उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश में लगी रहती थी। स्वामी जी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि रात को बिग बॉस के घर में जब लाइट ऑफ हो जाया करती थी तो बिग बॉस के घर की लड़कियां मेरे सामने खड़ी होकर कपड़े उतार कर नंगी खड़ी हो जाया करती थीं, पर मैंने अपनी इंद्रियों को विग्रह कर रखा है, इस वजह से मुझ पे किसी भी चीज़ का असर नहीं हो पाता था। इससे आगे स्वामी ओम ने यह कहा कि मेरे सामने तो हॉलीवुड, बॉलीवुड और वर्ल्ड की फेमस लड़कियाँ नंगी खड़ी हुई हैं, पर किसी भी लड़की का मुझ पर आज तक कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, पर सांसारिक लोगों पर इसका असर पड़ता है और वो गलत काम कर जाते हैं। तो ये थी स्वामी ओम जी की वो बातें जिससे आप और हम, यानी कि जिस जिसने बिग बॉस के घर में उनको देखा है, उन सबको पता है कि वो किस तरह की बातें करते हैं। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।